Emotional damage. पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो एक बहुत ही बदसूरत निज़ाम और नाज़िमीन के हाथ में जा चुका है, और इस बात का अंदाज़ा ना हम सिर्फ घर बैठ के अपने कमरे के कोने में टीवी देखते हुए नहीं लगा सकते। इस बात का अंदाज़ा ना हमें तब होता है जब हम लोग अपने मखसूस दायरे से बाहर निकलते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं। आज से पहले मैंने जब भी ट्रैवल किया मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग्स मैं बनाती नहीं थी, ना मैं व्लॉगिंग इस तरह से करती थी, मैं जस्ट स्मॉल कंटेंट बनाती थी। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग एंड इट इज़ दिस वन, स्पेसिफिकली दिस वन इज़ अबाउट कराची टू क्वेटा। पहला व्लॉग इज़ ऑल अबाउट सफरे क्वेटा, और ये टोटली होगा ट्रिप बेस्ड और नॉलेज बेस्ड। तो सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ी सी क्वेटा रिलेटेड नॉलेज की बात, बिल्कुल थोड़ी सी। क्वेटा की लोकेशन के मुताबिक ये मौजूद है नॉर्दर्न बलूचिस्तान में नियर पाक अफगानिस्तान बॉर्डर, और इसको बहुत ही खूबसूरत किस्म के माउंटेनियस रीजन ने सराउंड किया हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 रीजन आते हैं जो बहुत फेमस हैं, जिसमें पहला आता है चिल्तान हिल्स, दूसरा आता है मोरदार लैंड, तीसरा आता है जरगाम हिल्स, और चौथा है गैस तक्कातू हिल्स के नाम से। ये रीजन्स कुछ स्पेसिफिक हैं जो बहुत फेमस हैं, और क्वेटा के इर्द गिर्द आपको इन्हीं रीजन्स में से कोई ना कोई पहाड़ नज़र आएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा प्लान था अचानक का और ईद के दौरान ही बना, तो बस हम लोगों ने एक रात पहले सामान पैक किया और ईद के चौथे दिन हम लोग निकल गए। यहाँ पे आती है टिप नंबर 1, वो ये है कि भाई अगर आप लोगों ने शहर से बाहर जाने का प्लान करना है, करीब है तो सही है, लेकिन अगर इफ द ड्राइव इज मोर देन 5 आवर्स तो खुदा का वास्ता एंड टाइम पे प्लान कभी मत बनाइएगा, वरना आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं। दोस्तों का तो चलता है, लेकिन फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं चलता, स्पेशली जब आप लोगों के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हों। हम लोगों ने बनाया एंड टाइम का प्लान कि चलो कर ही रहे, चलते हैं। चौथे दिन हम लोग निकल गए, सामान बांधा, गाड़ी में रखा और फरार निकले सुबह 5:30 बजे, बगैर ये सोचे कि भाई बाहर नाश्ता करना है तो ज़रा जगह तो देख लो, ईद का चौथा दिन है। बिकॉज वी वर अनअवेयर कि भाई बलूचिस्तान के अंदर बाकी जगहों पर ईद होती है तकरीबन कोई 15 दिन की 10 दिन की, हम लोग मनाते कराची वाले 4 दिन की, बल्कि 3 दिन की, चौथे दिन से सब कुछ खुल रहा होता है। तो बस वही एक मैंटेलिटी लेकर हम निकल पड़े। जहाँ हम लोगों ने नाश्ते के लिए रुकना था, तकरीबन 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद जब हम लोग वहाँ नाश्ते के लिए रुके, तो हमें पता चला कि भाई साहब वो तो होटल ही बंद है, लाइक वहाँ नहीं खुला अभी, वहाँ वो लोग जाके सलाम करके आपको ईद मुबारक बोल रहे थे। तो लिहाजा हम लोग सुबह 5:30 बजे से भूखे निकले हुए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं, वापसी में आए, गाड़ी में बैठे और इधर उधर की आसो पास चीज़ें खा के हम लोग अपना ध्यान बटाने लगे। वहाँ से गाड़ी में बैठने के बाद कुछ मजीद सफ़र करने के बाद हमारी तो भाई बस हो गई, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको 50% ऑक्सीजन मिलती ही चाय से, हमारा चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, और हम लोगों ने चाय पी हुई थी इतने लंबे सफ़र में, बस सर में सबके दर्द हो रहा था। तो रोड के साइड पर नज़र दौड़ाने से हमें पता लगा कि वहाँ पर कुछ लोकल रेजिडेंशियल लोग मौजूद हैं, लाइक वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं था लेकिन वहाँ लोकल रेजिडेंस मौजूद थी, वहाँ पे वो लोग थे जो जिरगे वगैरह लगाते हैं, बैठते हैं, दस्त वगैरह लगे हुए थे, वहाँ चाय भी बन रही थी। तो हम लोगों ने सोचा हम इनको सामान दे के बोलते हैं, क्योंकि हम लेके चले थे कि भाई जान थोड़ी सी चाय सानू भी बना दो। तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग 3 फैमिलीज थी, हम लोगों ने चाय कहके बनवा ली, इंतहा की धूप थी, सामने खंडर भी था, हम लोगों ने पीछे तख्त पर बैठे चाय पी, वो चाय जो किसी काम की नहीं थी, लेकिन उस वक्त ना हमारा हाल वो वाला हुआ था, वो एक शेर है ना, जो शेर मुझे याद नहीं, पर उसका दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह से था कि कभी दरिया नहीं काफ़ी, कभी खतरा है बहुत, कुछ ना होने से होना बेहतर था। तो हम लोगों ने चुप करके इंसानों की तरह बिस्किट के साथ वो चाय पी ली कि मजीद सफ़र हमारा थोड़ा सुकून से निकल जाए। वहाँ से चाय पीने के बाद हम मज़ीद आगे गए और वहाँ पर आए एक छोटा सा शहर, और ये शहर था तकरीबन 5-5.5 घंटे के ड्राइव के बाद, और ये वो पहला शहर था जहाँ हमें प्रॉपर तरीके से पूरे दोबारा सिग्नल्स मिले, वरना कहीं पर भी हमें सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। खैर, तो इस जगह पे तकरीबन था टेम्परेचर आई गेस 10-12 डिग्रीज, यहाँ पर मेरे हाथ बुरी तरीके से जम रहे थे। तो यहाँ पर मैंने अपने बाबा जानी अपने वालिद से कहा कि बाबा आप ना मेरा कैमरा संभालें, आप अपनी ब्लॉगिंग स्किल्स दिखाएं, क्योंकि मेरे हाथ तो जम रहे थे, और हम लोग कराची वालों ने इतना सोचा नहीं था कि ठंड होगी, तो हम लोगों ने कुछ खास रखा भी नहीं था पहनने ओढ़ने के लिए, बस जो पहने उसी में मलंग वो भी करा उठ के चले गए। तो यहाँ पे जो कंटिन्यू किया ये मेरे बाबा ने किया। इस वक्त हम लोग कलात में ये सेब के बागात हैं जो कि इस वक्त खाली हैं, क्योंकि अभी सेब का मौसम नहीं है, और यहाँ ठंड जो है तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और ठंडी यख हवा चल रही है, और हम लोग रास्ते में अभी रुके चाय के लिए, चाय पिए के। ये हमारे मोहतरम अदील भाई हैं, ये मोहतरम अशर भाई हैं, ये मोहतरमा मोमिना बीबी हैं, ये मुकद्दस बीबी हैं, ये माज भाई हैं, ये हसनैन भाई हैं, पीछे सारी बहनें मेरी बीवी को छोड़ के बची हैं।
एक मेरी बीवी है, एक बहन है, दो बच्चियां हैं। बस आ रहा, अभी चाय आएगी तो फिर बनाएंगे। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा खूबसूरत एक सेब का बाग भी मौजूद था, जहाँ पूरी तरह से भी सेब पके नहीं थे। जब हम आगे आपको ज्यारत दिखाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको और बहुत सारे बाग दिखाऊंगी। लाइक हमारे पास पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े और इतने हसीन और इतने सारे हमारे पास सेब के बाग मौजूद है कि अगर हम इनको सिर्फ एक्सपोर्ट करें तो हमारी इकनॉमी कितनी बेहतर हो सकती है सिर्फ एक सेब को एक्सपोर्ट करने से। लेकिन हम यहाँ पर इकनॉमी बेहतर करने की टिप्स देने नहीं बैठे, ये काम निज़ाम का है तो वो संभाले। तकरीबन 12 से 13 घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों को फाइनली बिलबोर्ड दिख गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि वेलकम टू क्वेटा, पश्तों में लिखा। तो खैर हम लोग वहाँ पर दाखिल हुए, खासी सर्दी थी और अंधेरा भी था। उस अंधेरे को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची को सिटी ऑफ लाइट्स क्यों कहा जाता है। लाइक हम लोगों ने जो अपना पहला होटल बुक कराया वो हम लोगों ने क्वेटा के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत फेमस मार्केट है लियाकत मार्केट, उसके बीच में एक होटल मौजूद था जहाँ हम लोगों ने बुकिंग करवाई। अब ऑल दो वहाँ पर क्योंकि 15 दिन मैंने बताया ईद की छुट्टियाँ होती हैं, कराची में भी ईद के दिन बंद होती हैं शॉप्स, बट स्टिल यहाँ पर इतना अंधेरा नहीं होता जितना अंधेरा वहाँ पर था उस वक्त। तो वो मुझे देख के अंदाज़ा हुआ कि कराची को क्यों रोशनियों का शहर कहा जाता है, कि यहाँ छुट्टी हो या हड़ताल हो या कुछ भी चले, यहाँ से रोशनी ख़त्म नहीं होती। सुबह 5:30 बजे से हम लोग निकले हुए हैं और अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम लोगों ने खाने में नाश्ते में कुछ भी नहीं खाया हुआ। उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं शायद बता चुकी हूँ, नहीं बताई तो बता दूँगी, मुझे नहीं पता स्टोरी में किस हिसाब से लेके चलती हूँ। थकन चेहरे से साफ वाज है, पता नहीं चलती फिरती लाश जैसी हालत हुई हुई है। तो अभी हम लोग होटल तो पहुँच गए लेकिन ज़ाहिर पूरी फैमिली बैठी हुई है तो मैं होटल का भी इस तरह से रूम का टूर तो नहीं कराऊँगी। अभी हम लोगों ने जाना है पर खाना खाने, तो फिर मिलते हैं, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करूँगी जिसमें मुझे ना खुशी से ज़्यादा खासी डिसअपॉइंटमेंट हुई बीइंग इन कराची राइट। वो डिसअपॉइंटमेंट क्या थी कि जब हम लोग अपने होटल से निकल के खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे तो जिस गली से हम गुजर रहे थे वहाँ पर खासा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लाइक हम लोग सारी खवातीन भी थी, मर्द हज़रात भी हमारे साथ ही थे, हम लोग फ़ोन निकाल के व्लॉग बना रहे थे, क्लिप्स निकाल रहे थे और हमें कोई खौफ नहीं था कि अभी यहाँ से कोई बाइक पर आएगा और वो लेके चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि क्वेटा एक बहुत सेफ सिटी है, बट हम लोग कराची में ये नहीं कर सकते कि हम लोग कहीं पर भी रात के किसी भी पहर हम लोग फ़ोन निकाले, तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। तो वो चीज़ मुझे फील हुई कि काश हम कराची में भी इतनी फ्रीली हम फ़ोन निकाल के बना सकते होते। कोयटा और बहुत चीज़ों के लिए शायद अनसेफ होगा शायद, बट इस मामले में वहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। एक बड़ा बैड सीन हुआ यहाँ पर आने के बाद, हमें पता चला कि कोयटा में लोग तकरीबन 10-15 दिन तक छुट्टी पर रहते हैं ईद के बाद, तो हमें बात मालूम नहीं थी, वजह कि हमें सब कुछ बंद बंद मिला। भी हम लोग सोके उठे थे, अब हम लोग नाश्ता करने पहले सोचा घर पर लाएंगे होटल पर लाएंगे, अब हमें करने के लिए जाना होगा। अच्छा अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए निकलते हुए हम लोगों ने क्या एक थोड़ी सी मिस्टेक की कि हम लोगों ने ना अपना होटल साइन आउट कर दिया क्योंकि हम लोगों ने होटल चेंज करना था रात में। उसके पीछे रीज़न ये था कि रात में ना इस वाले होटल के अंदर लाइट बहुत जा रही थी और जब हम लोगों ने उनसे जनरेटर के पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ जनरेटर की ज़रूरत ही नहीं है, मौसम ही नहीं। हमने बोला ये भी ठीक है, बट हम घुटन हमें ज़रूरत थी लाइट की, वो लाइट वहाँ मौजूद नहीं थी तो हम लोगों ने साइन आउट कर दिया। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए लियाकत मार्केट जो बहुत फेमस है, कि हम लोग बेसिकली वहाँ यही था कि यार थोड़ा सा वेंडर कर लें, बाकी जो हमारे मर्द हजरात थे उनको कुछ काम था तो वो काम से निकल गए, तो हम खवातीन सारी मार्केट में फिर रही थी। अब हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ, अच्छा कोयटा के अंदर ना थोड़े मुख्तलिफ किस्म के रक्षे होते हैं जो अगर हम लोग यहाँ कराची में देखें तो हम कहते हैं यार रक्षे वाला खासा अमीर लगता है जो उसने इस तरह का रक्षा रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ठंड ज़्यादा और वहाँ पर्दे का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है इसलिए वहाँ पर होते दोनों तरफ दरवाजे मौजूद रक्षों के। अब उसके अंदर मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, चलो अगर सामने भी दो बैठ गए जो ड्राइवर है उनके साथ अगर दो बैठ गए, दो पीछे, तीन पीछे, तो 5-6 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। उसके अंदर हम तकरीबन क्योंकि हम कराची वाले हर जगह जुगाड़ लगाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह फिट हो ही जाते चाहे हमें फंसना क्यों ना पड़े, हम टोटल में बैठे थे 10 लोग बच्चों को मिला के और रक्षे वाले बेचारे बिठाने में राजी नहीं था पर हम लोग ज़बरदस्ती करके बैठ गए क्योंकि भाई नेटवर्क की वजह से गूगल मैप चल नहीं रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि हम दो अलग रक्षे कराएं और हम वहाँ फंस जाए क्योंकि टैक्सी गाड़ी वगैरह का कोई सीन नहीं होता। वो हमारा सफरे कोयटा इख्तिताम हुआ, लाइक सिर्फ सफरे कोयटा, अभी कोयटा के अंदर हम लोग घूमे थे, अभी हम लोग और जगहों पे गए थे जो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। इस व्लॉग के अंदर वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीख ही लिया होगा हमारे एक्सपीरियंसेस से। प्लस एक और चीज़ जो मैं जाते जाते बोलूँगी कि भाई कभी भी ईद के 15 दिन से पहले पहले कहीं घूमने मत निकलिएगा, स्पेशली जब आप कराची से बाहर जा रहे हो, ठीक है। इमेजिन कराची रहा बिकॉज जब कराची से बाहर जाते हो तो फिर आपको कराची की नेमतों का ख्याल आता है। तो खैर यही था सब जो था, आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।